ਪੰਜਾਬ ਜਦ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦਈਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਮੇਰੇ ਚਾਰ ਭਾਈ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਮੇਂ ਹਮਾਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ ਤੋ ਚਾਰੋਂ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏਗੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗੇ? ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੇ ਲੀਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰ ਤੋ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਨਿਕਲਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਨਿਕਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਬਣਨੇ ਦੀਆ ਉਸ ਟਾਈਮ? चंडीगढ़ के बसिंदों को पूछा कभी किसी ने आके कि तुम पंजाब में जाना चाहते हो कि हरियाणा में जाना चाहते हो? चंडीगढ़ के बसिंदे चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र की जो है ना एक पहचान बने राज्य के तौर पे। अभी किसी चंडीगढ़ के बिजनेसमैन को पूछो आप कि पंजाब में जाना चाहते हो, कभी हाँ नहीं करेगा। सिटी ब्यूटीफुल कभी होंदा सी जी 10-12 साल पहला, कहते ट्राई सिटी च ना सिटी ब्यूटीफुल एक नंबर से हूँ 26वें नंबर से है। ये कहते तरक्की कर रहा है, यह तरक्की कर रहा है कि एक नंबर तो 26वें नंबर से पहुँच गया। जो दोबारा सत्ता से आ गए तो मैंने लगता 100 भी क्रॉस कर जाएंगे। मनीष तिवाड़ी ने माड़ा जहा लिखा, कहते सिटी स्टेट बनानी है कि पंजाब ने रौला पाला, कहते है ही साडा तां बड़े बड़े राष्ट्रीय दल उन्होंने वोट लेनी है ना, उन्होंने वहाँ पे वोट लेनी है, पंजाब में भी लेनी है, हिमाचल में भी लेनी है, हरियाणा में भी लेनी है। जैसे SYL का मुद्दा है, पार्टी सत्ता में होती है तो कुछ और बयान देती है, जब सत्ता के बाहर होती है कुछ और बयान देती है। इसी तरह जो चंडीगढ़ स्टेट का मुद्दा है ना, जो निर्दलीय विधायक है उसके पास प्लान है। इसलिए मैं अपील कर रहा हूँ चंडीगढ़ की जनता को, अगर यहाँ की अफसरशाही खत्म करना चाहते हो, लगाम लगाना चाहते हो, यहाँ विधायिका बनाना चाहते हो, एक अलग स्टेट बनाना चाहते हो, तो आप मुझे वोट करें। कल असी सारे इंडिपेंडेंट इकट्ठे हुए थे, जिन्हें भी कैंडिडेट है इकट्ठे होकर एक फैसला लिया, असी एक मंच से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराएंगे, एक बंदे नूं अग्गे करांगे और सारे उसी का प्रचार करें जिहड़ा भी चोण निशान उन्होंने मिला। हमने अपील करी है कि आपने रिवायती पार्टी को वोट नहीं करनी, आप जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अच्छा लगता, मैं ये नहीं कहा कि मेरे को करो या उसको करो, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आपको अच्छा लगता है, डिजर्विंग लगता है, अब उसको वोट करो। रिवायती पार्टियों ने भट्टा बिठा दिया चंडीगढ़ का। चोण निशान मैंने मिला जी 8, 11वां नंबर दिता जी इन्होंने, तो 8 का बटन दबा के तुसी मैनू जिताओ। देखो 5 साल से मैं चंडीगढ़ की कायाकल्प कर दूंगा और मेरे जीवन का एक ही मोटिव है, 66 साल मेरी उम्र होगी, जब मैं दुनिया छोड़ के जाऊँ तो लोग याद करें कि बंदा वो आया सीगा साडा सांसद बन के, उन्हें चंडीगढ़ का राज्य बनवाता, चंडीगढ़ की कायाकल्प कर। सत श्री अकाल। चोणों के समय के दौरान जे कही कि हर एक लीडर आपकी आपकी गल दस रहा, तो उत्थे ही अजिही चोणों के जे कहा जाए तो आजाद कैंडीडेट ने जो आजाद उम्मीदवार ने वह बहुत मायने रखते हैं, तो उन्हों का रोल है जोड़ा वो हर बार कितना कितने जे कही जिम्मे जित के आते हैं, यानी कि लोग उन्होंने भी तवज्जो देंगे, उन्होंने मुद्दों के उत्ते सब तो ज़्यादा फोकस होंगे। साढ़े नाल तार सिंह राणा ने, उन्होंने गल करा। राणा साहब देखा जाए पहले तो थोड़ी लुक बड़ी जबरदस्त है, खैर पंजाब बहुत घट देखने को मिलती है। धन्यवाद थोड़ा जी, बहुत बहुत जे कहा जाए ये स्टाइल है राणा जी का या वर्किंग स्टाइल आम दिन भी अमी रेंगे? नहीं मैं आम दिन भी इदा ही रहा, लेकिन अजय पगड़ी जो है मैंने सम्मान बख्शे, राष्ट्रीय राजपूतना पार्टी के अध्यक्ष यहाँ पे आए थे और उन्होंने मेरे बारे में सुना। एक्चुअली वो यहाँ पर्चा भरने आए थे लेकिन तकनीकी वजह से उनका पर्चा कैंसिल हो गया, तो उन्होंने राष्ट्रीय राजपूतना पार्टी की तरफ से मुझे अपना समर्थन दिया। राणा जी मुद्दे की लैके चले होंगे, क्योंकि चंडीगढ़ तो कहते वैसे ही सिटी ब्यूटीफुल है तो इनू इन्नी वड्डे तौर पर शिकारन की लोड़ नहीं, हाँ टैक्निकली ग्राउंड से काम करने की लोड़। सिटी ब्यूटीफुल कभी होंदा सी जी 10-12 साल पहला, कहते ट्राई सिटी च ना सिटी ब्यूटीफुल एक नंबर से सीगा, हुण 26वें नंबर से है। ये कहते तरक्की कर रहा है, यह तरक्की कर रहा है कि एक नंबर तो 26वें नंबर से पहुँच गया, जो दोबारा सत्ता से आ गए यह तो मैं लगता 100 भी क्रॉस कर जाएंगे। मुद्दे साढ़े लोकल ही हैं जी, मेरा कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है। लोकल मुद्दा यह है कि सबसे पहले तो चंडीगढ़ को पूर्ण राज्य कैसे बनाना है, उसका प्लान मेरे पास है। एडा वा रौला चलता, मनीष तिवाड़ी ने माड़ा जहा लिखा, कहते सिटी स्टेट बनानी है कि पंजाब ने रौला पाला, कहते है ही साडा तां वो तो बड़े बड़े राष्ट्रीय दल उन्होंने वोट लेनी है ना, उन्होंने वहाँ पर वोट लेनी है, पंजाब में भी लेनी है, हिमाचल में भी लेनी है, हरियाणा में भी लेनी है। और जैसे SYL का मुद्दा है, जब पार्टी सत्ता में होती है तो कुछ और बयान देती है, जब सत्ता के बाहर होती है कुछ और बयान देती है। इसी तरह जो चंडीगढ़ स्टेट का मुद्दा है ना, जो निर्दलीय विधायक है उसके पास प्लान है, प्लान तो इनके पास भी है लेकिन पार्टी की मजबूरियां ये उसको इम्प्लीमेंट ना तो करेंगे ना उसकी बात करेंगे कोई। इसलिए मैं अपील कर रहा हूँ चंडीगढ़ की जनता को, अगर यहाँ की अफसरशाही ख़त्म करना चाहते हो, लगाम लगाना चाहते हो, यहाँ विधायिका बनाना चाहते हो, एक अलग स्टेट बनाना चाहते हो, तो आप मुझे वोट करें। वोट करने के बाद यहाँ विधायिका होगी, अपने MLA होंगे, अपना मुख्यमंत्री होगा। आज जो फाइल दिल्ली जाती है वो 6 महीने में वापस आती है, और 6 महीने में जब वापस आती है, जो लोकल सांसद यहाँ थी, फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, जो DPR तैयार होके इसकी मेट्रो रेल की गई थी और जब सांसद महोदय ने ओथ ली यहाँ पे, कहते छोटा सा शहर है जी, लोड ही नहीं है इतने। आज तो पता लग रहा है ना लोड है कि नहीं है। 2019 भी DPR तैयार करवाई इन्होंने, उस टाइम भी इन्हें कहने नहीं नहीं इतने लोड नहीं हैगी। जब चोन आता ना उस टाइम DPR इन्हें तैयार हो जाती है, हूँ भी यह कह रहे जी अभी मेट्रो लेके आओगे, 10 साल तक तुम लेके नहीं आए, हूँ तुम की लेके आओगे? जो तुम कह रहे हो अलग स्टेट को लैके जी, पंजाब जब कहता भी साड़ी सर जमीन तो चंडीगढ़ बनया तो अभी क्यों दईए किसी, क्यों इनू अलग हो दईए?
पंजाब की सरजमीन पर तो हिमाचल भी निकला है, हरियाणा भी निकला है, क्यों मरने दिया उस टाइम? हर चीज़ का जरूरत है। मेरे चार भाई हैं, अगर एक मकान में हमारा गुजारा नहीं हो रहा है तो चारों भाई अपना अलग अलग मकान बनाएंगे नहीं बनाएंगे? ये ज़रूरतों के हिसाब से डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। ये तो एक राजनीतिक बयानबाजी है। चंडीगढ़ के बसिंदों को पूछा कभी किसी ने आके कि तुम पंजाब में जाना चाहते हो कि हरियाणा में जाना चाहते हो? चंडीगढ़ के बसिंदे चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र की जो है ना एक पहचान बने राज्य के तौर पर। कभी किसी चंडीगढ़ के बिजनेसमैन को पूछो आप कि पंजाब में जाना चाहते हो, कभी हानि करें। मनीष तिवारी ने कहा ही है अभी ऐसी सिटी स्टेट बनानी। नहीं, मनीष तिवारी तो सिटी स्टेट की बात कर रहे हैं ना, मैं पूर्ण राज्य की बात कर रहा हूँ। इसमें दोनों में फ़र्क है ना। उसमें क्या होगा, सीसी लग जाएगा यहाँ पे। बात क्या हुई, बात तो वही हुई ना, एडवाइजर काम करता है फिर सीसी काम करेगा। इसके पीछे आप सुन लो मेरी बात, ये है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी इस चीज़ में हाँ भरेगी नहीं। अगर इसको कोई करेगा तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कर सकता है, क्योंकि उसका कोई सरकार को जान की क्षमता कितने होगी, वो कितने इन्हें तक आगे में कर लो क्षमता। मैं तुम्हें दसदा क्षमता, मैं तुम्हें दसदा जी, जब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चुन के जाएगा ना तो उन्हें मैं दसदा बीजेपी हो या कोई भी पार्टी है सत्ता में नहीं आ रही इस टाइम, माइनॉरिटी से है। बीजेपी 217-240 के बीच में अटकेगी, दूजे दलों ने भी नहीं मिलने हैं। जहाँ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चुन के इतों चंडीगढ़ तो जाएगा ना, वो किसी भी सरकार के बीच में मंत्री के तौर पर जाएगा। आपकी स्कीम ला देंगे बच्चे हैं ज़्यादा कैंडिडेट नहीं पेगी उन्होंने। ये चंडीगढ़ की जनता इस गल में समझ गई ना कि साडा कैंडिडेट जीत के की कर सकता है तो नैचुरली मैं वोट पाएगी। पर ये देखा जाए राणा जी, अज तक जिमें हम चंडीगढ़ काफ़ी कैंडीडेट ने जोड़े इंडिपेंडेंट खड़े ने गए, ज़्यादातर यह कहा जाता हूँ कहते भी ये वोट सिस्टम को डिस्टर्ब करने की कोशिश होंगी, आजाद कैंडीडेटा इसलिए उतारा जाता जमीन देते ताकि वोट ने जोड़े जिथे जिथे सूँ नहीं पै रहे, बीजेपी को लगता है, कांग्रेस को लगता है, किसी भी सियासी दल को लगता है, तो उन्होंने यह होंगे भी ये वोटर दूजे पास चल जाए, बिच वोट घट हो जाए। बिल्कुल तुम सही कह रहे हो। कल अभी सारे इंडिपेंडेंट इकट्ठे हुए थे जिन्हें भी कैंडीडेट है, और इकट्ठे होकर एक फैसला लिया कि असी एक मंच से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराएंगे कि एक बंदे नूं असी अगे करांगे, बेशक असी पर्चे भरते जो भी है, एक बंदे नूं अगे करांगे और सारे उसी का प्रचार करें जिहड़ा भी चोण निशान उन्हें मिला। नहीं वो तो फिर फेर नहीं सुनो, उसमें अब देखो जो जिहड़ी गल तुसीं कही है वो गल क्लीयर होगी। डमी कैंडीडेट खड़े करे गए हैं ये बड़ी बड़ी पार्टियों ने, बीजेपी ने, कांग्रेस ने अपने डमी कैंडीडेट खड़े कर दिए कि तुसीं इन्हां दी गल्लां लो इंडिपेंडेंट बन के। वोट इन्होंने क्या करनी है, वो उनकी वोट खराब करेगा उनकी। इस नहीं बन पाया सहमति तक तो नहीं लगता भी फिर निकल गए ना। अब हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, हमने इकट्ठे होकर एक बात कही है, हमने अपील करी है कि आपने रिवायती पार्टी को वोट नहीं करनी है, आपको जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अच्छा लगता है। मैं ये नहीं कहा कि मेरे को करो या उसको करो, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आपको अच्छा लगता है, डिजर्विंग लगता है, आप उसको वोट करो, लेकिन रिवायती पार्टी को वोट ना करें। रिवायती पार्टियों ने भट्टा बिठा दिया चंडीगढ़ का। थोड़े संपर्क करे और टोटल किन्ने ने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के किन्ने नाल थोड़े संपर्क हुए? मेरा सबके साथ संपर्क था, लेकिन मैंने आपको जैसे बताया कि कोई अपने मन की बात नहीं बताता ना। मन की बात तो मोदी जी कर सकते हैं, बाकी किसी की मन की बात आप पढ़ नहीं सकते। कहने को तो वो इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन वो डमी कैंडिडेट हैं पार्टियों के, तो उनसे क्या बात करें, वो तो आज खुलासा हो गया। कल तक तो हम भी यही सोच रहे थे हमारे साथ हैं, लेकिन वो हमारे मन की बात लेके आगे बचा रहे हैं। कहने का मतलब सरकार पहले ही बंड साल बंड तो पहले ही खिलर गई। हाँ जी हाँ जी, चलो खिल रही नहीं है। ये तो भी एक लेसन मिला है कि असी ब्लाइंड फेथ नहीं कर सकते किसी से। असी तो एक कहना अपना मन की तरह मैं सोचा भी चल भाई अभी सारे बंदे साड़ी तरह फाइट कर रहे होने, पर उनके अंदर कोई ना कोई निशान की मिले। तो चोन निशान मैंने मिला जी आटो, तो तुहाडे चैनल दे नाल मैं रिपील करदा लोगों को कि आटो का 11वां नंबर दिता जी इन्होंने, तो आटो का बटन दबा के तुसीं मैनू जिताओ। देखो 5 साल से ना चंडीगढ़ की कायाकल्प कर दूंगा, और मेरे जीवन का एक ही मोटिव है। 66 साल मेरी उम्र होगी, पता नहीं परमात्मा ने कितना जीवन दिया है, जब मैं दुनिया छोड़ के जाऊँ तो लोग याद करें कि बंदा वो आया सीगा साडा सांसद बन के, उन्हें चंडीगढ़ का राज्य बनवाता, चंडीगढ़ की कायाकल्प करती। खैर गल तो यह भी फैसला लोगों का, पर दूजे पास देखिए तो आजाद उम्मीदवारों को लेकर जी एक सोच बनी हुई है कितने कितने राणा जी भी मानते हैं भी गल यह जी होंगी तो हैगी, पर सारे एक नहीं होंगे, जिद करके लोग फैसला तो लैन पर रवायती पार्टियां तो उपर उठ के। वीडियो जर्नलिस्ट हरजिंदर रिक्की दे नाल समीत सिंह रोजाना सुखसन टीवी चंडीगढ़।